आई बोली खा तेरे भाग खा कमा कमा धन लाओ। और एक बोली खा अपने भाग का मत ज्यादा गलसाओ, मत ज्यादा गलसाओ। ब्राह्मण बोलिया ये बेटी, ब्राह्मण बोलिया ये बेटी, वो ब्राह्मण बोला ये बेटी एक लंज पति होगा तेरा, ये तो मुझे गीता है के मरना सक पति मेरा, मरना सक पति मेरा। करड़ाई ने सजने हमारे फेर लिए देख गेरा, ये तो मुझे ठीक से उसने कह दिया अपने कर्म का खास उसके बाप ने कोडी कंगला लापाज उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। इसमें पति भरता आके जिक्रा रह गया, पति भरता जिक्रा से वो लड़की अपने उस लोंज कोडी पति को भगवान समझ के और उसकी सेवा करने लगी। एक दिन जलसा लगया हुआ ऋषि महर्षियों का, सारी दुनिया उस जलसे ने देख रहा, और एक कन्या दरवाजे के आगे वो लंज पड़ा होया, और जब आई ब्राह्मण की लड़की कहने लगा के ब्राह्मण की लड़की कि हाँ महाराज के जय इन लोगों की तरिया मैं भी ठीक ठाक मेरे सही पाऊं थे तो मैं भी आज जलसा देख रहा। अपने पति के मन की व्याख्या को समझ के और वो लड़की अपने पति ने बैठा के टोकरे में धर के सिर के ऊपर जलसा देख लाने के लिए चल दी। पर रस्ते में कौन के मांडव ऋषि सूली पर चढ़े हुए, पैर नीचे लटका हुआ था, सूली का पैर लग गया, सूली का जब पैर लग गया मांडव ऋषि के बहुत कष्ट होया, दर्द होया, तो एकदम से श्राप दे दिया कि लड़की सूर्य निकलते ही मेरा पति खत्म हो गया। जब पति भरता ने इस बात का पता लग गया तो क्या होया भला, मेरा
वर्षा ने पता लग गया कि सुरज लिकट जाए तेरा पति खत्म हो गया। 11 दिन तक पति भरता ने अपनी शक्ति जब त्रिलोक की मजान पटी के वे सूरज चले गया, फिर महा को भेजा, पता लग गया कि वो तो इसी तरह एक पति भरता की शक्ति नहीं मिलेगी। Let's go.